Hello students, so in this lecture I am going to discuss about maxima and minima. Already in last lecture I have discussed increasing decreasing function, tangent and normal. Okay, so maxima minima मैंने पहले भी already तुमको मैं बता चुकी हूँ ये topic के बारे में. तो increasing decreasing function अगर तुम लोग concept clear हो जाता है तो automatically maxima minima भी easily समझ जाओगे और इसका application तुम्हारा physics में भी है. physics में भी इससे related ग्राफिकल क्वेश्चंस आता है जिसमें तुम लोग को प्रूफ करना होता है या बताना होता है वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है यूजिंग अ ग्राफ. ग्राफ एक दिया होगा, ग्राफ को यूज करके तुमको बताना होगा. तो यहाँ पे देखो मैंने दो ग्राफ बनाया है, यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा का और एक लोकल मिनिमा का. सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो ग्राफ है, जो कर्व मैंने बनाया है, वो कर्व देखो इस तरह से जा रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट है सी, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट मैंने इसीलिए नाम दिया है क्योंकि इस क्रिटिकल पॉइंट में f dash x यानी कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव, और उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट. इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट क्योंकि वहां पे रुक जाएगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. उसके बाद क्या आएगा, टर्निंग पॉइंट, यानी उस पॉइंट को हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं. तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने नाम क्या दिया है, मैथमेटिकली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट. सो एट दैट पॉइंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू जीरो. और उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लोप है, कोई भी पॉइंट में अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं कर्व में, किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और राइट साइड में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा. यानी एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन इट गोज थ्रू व्हाट, सी. जब वो सी से पार होता है, सी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, अलग अलग है. ऐसा केसेस में ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है. तो अगर एफ डैश एक्स चेंज करता है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वी कैन से दैट द सी, द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है, और उस पॉइंट में फंक्शन का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा. फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या, इस पॉइंट में वाई का एक मैक्सिमम वैल्यू इसी में आएगा. ठीक है, वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू. तो कर्व में देखो बहुत सारा पॉइंट है और बहुत सारा पॉइंट में एक्स वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि जब इस तरह से कंडीशन होगा, जब स्लोप लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा और राइट साइड में नेगेटिव होगा, ऐसा कंडीशन में ही इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट में वाई का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है. कर्व में बहुत सारा पॉइंट है एक्स वाई, बट वाई का हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट में होगा. ठीक है, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वाई का एक मैक्सिमम वैल्यू है एट दैट पॉइंट. सिमिलरली अगर इसी का उल्टा होता है, उल्टा यानी कि एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में जा रहा है, सी के लेफ्ट और राइट साइड में इस तरह से अगर हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, और वो सी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, इसको हम लोग सी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम या मिनिमा शॉर्ट में बोलते हैं. और इस पर्टिकुलर पॉइंट में वाई का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू हम लोग को मिलेगा. वाई यानी कि फंक्शन जो भी दिया जाएगा, उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट में. अगेन देखो कर्व में बहुत सारा पॉइंट है और बहुत सारा पॉइंट का एक्स का और वाई का वैल्यू अलग अलग है, बट सबसे लोएस्ट वैल्यू हम लोग को कौन सा पॉइंट में मिलेगा, इसी पॉइंट में. ओके, सो दिस इज अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास दो टेस्ट है. फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, और वो कौन सा पॉइंट में है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसका वर्किंग मैं तुम लोग को नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ. सो वर्किंग रूल देखो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो हमको दिया रहेगा, और उसका हम लोग को क्या पता लगाना है, एक्सट्रीमम वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड. एक्सट्रीमम वैल्यूज यानी कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जिसका हमको फाइंड करना है, इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यूज और एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ही क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग को निकालना है, वो पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है जिस पॉइंट में वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू
शो कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स यानी कि स्लोप, और इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग को स्लोप जीरो के इक्वल इक्वेट करना होगा, जिससे हमको सी मिल जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, यानी छोटा से बड़ा। उसके बाद सेकेंड स्टेप के बाद हम लोग को जितना भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है वो क्वेश्चन, वो तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तुमको दो क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो तुम दोनों क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करोगे, ठीक है। और अगर एक मिला तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ग्राफ, जो मैंने इसके पहले तुम लोग को बना के दिया था। तो अगर फर्स्ट ग्राफ आता है यानी ऐसा ग्राफ है, यानी अगर ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर स्लोप पॉजिटिव है और राइट साइड में अगर स्लोप नेगेटिव है, तब ये पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरह से आता है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा ग्राफ को देखकर, तब हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर सी मैक्सिमम पॉइंट रहा तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सी का वैल्यू को हम लोग फंक्शन में एक्स का जगह में पुट कर देंगे, जिससे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और अगर सी मिनिमम आता है तो हम लोग फंक्शन में ही एक्स के जगह वो क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ओके, जब हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं मिलेगा उस पॉइंट में, वो पॉइंट को, सी पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये केस कैसा है देखो, अगर सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और राइट साइड में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी स्लोप दोनों तरफ में ही पॉजिटिव है, तब हम लोग वो क्रिटिकल पॉइंट यानी जो सी है उस पॉइंट को मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि तब वो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी शो नहीं करेगा, कोई भी ग्राफ में वो नहीं हम लोग का एप्लीकेबल होगा। जो फर्स्ट और सेकेंड ग्राफ मैंने बनाया था मैक्सिमम मिनिमम के लिए, दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर ऐसा केसेस आता है, अगर सी का लेफ्ट साइड में भी स्लोप नेगेटिव है और राइट साइड में भी स्लोप नेगेटिव है, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग कब बोल सकते हैं, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट साइन, यानी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द सी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन लिया है जिसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूंगी। यहाँ पे बोला फाइंड द मैक्सिमम और फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन दिस। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या था, हम लोग एफ डैश एक्स को फाइंड करेंगे। सो 18x प्लस 12 है एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट कर लिया उसको। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो हमने स्लोप को जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया, जिससे हम लोग को x मिल गया -2/3, यानी -2/3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे हमको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट इसीलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे x का पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यानी कि अगर x का पावर 2 होगा तो हम लोग को दो क्रिटिकल वैल्यूज मिलेगा। तो x का पावर 2 कब हो सकता है, जब फंक्शन क्यूबिक होगा, क्योंकि क्यूबिक का डिफरेंशिएशन करोगे तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पावर 1 हो जा रहा है इसका, x का, ठीक है। तो इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला है यहाँ पे, एक ही पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग अभी चेक करेंगे। तो -2/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -0.66। तो अगर लेफ्ट साइड में चेक करोगे तो -1 में चेक कर सकते हो, राइट साइड में अगर चेक कर सकते हो तो 0 या फिर 1 में चेक कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पॉइंट में हम लोग स्लोप को चेक करेंगे। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड में -2/3 यहाँ पे है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, राइट हैंड साइड में 0 है, 1 है, 2 है, किसी में भी चेक कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में -2 भी है, बहुत सारा वैल्यूज है, हम लोग किसी में भी चेक करेंगे। तो मैंने -1 में चेक किया जैसे, तो ये -6 आ रहा है। -6 क्या है, इट इज लेस देन 0, ठीक है। उसी तरह राइट साइड में मैंने चेक किया एट द पॉइंट 0, तो वहां पे आ रहा है पॉजिटिव, दैट इज 12, तो पॉजिटिव आ रहा है। यानी ग्राफ देखो -2/3 के लेफ्ट साइड में लेस हो रहा है, यानी यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, स्लोप जो है वो लेस देन 0 है, और इस साइड में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, यानी सी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये -2/3 जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसी तरह से। तो देखो -2/3 इज द मिनिमम पॉइंट फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए मिनिमम पॉइंट क्या है, -2/3 जो है वो मिनिमम पॉइंट है।
देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स में हम लोग पुट करेंगे, तो ऑलरेडी मिनिमम पॉइंट मिल चुका है, तो ये मिनिमम पॉइंट को हम लोग एक्स के जगह में पुट कर देते हैं, जिससे हम लोग को एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई का वैल्यू मिल जाएगा. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो वैल्यू है वाई का, वही तुम्हारा छोटा वैल्यू है, मतलब कम वैल्यू है वाई का, तो उस वाई का वैल्यू को हमने निकाला और वो कितना है, माइनस टू. दैट मीन्स इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यूज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू माइनस टू. माइनस टू से कोई और छोटा वैल्यू इस फंक्शन का हो ही नहीं सकता है. सो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम का, मैंने तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा दिया. तो अभी तुम लोग का काम है, तुम लोग जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज का तुम लोग क्वेश्चंस करोगे मैक्सिमम मिनिमा का. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज वेरी सिंपल और वो ग्राफिकल है. सबसे मेन है, तुम ग्राफ से ही पता लगा सकते हो फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है. सो द वर्किंग रूल फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज, लेट एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन हुज एक्सट्रीमम आर टू बी डिटरमाइन. एक्सट्रीमम वैल्यूज, अगेन एक्सट्रीमम वैल्यूज आर व्हाट वैल्यूज, मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, so number one find f dash x. similarly we have to find f dash x and we have to equate it to zero in order to find the critical point. already ये सब में same है, critical point निकालने के लिए f dash x निकाल के तुमको उसको zero के equal equate करना है. next है find f double dash x, यानी again उसका differentiation करना है. critical point निकालने के बाद again उस function का differentiation, यानी f dash x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे. इसीलिए इसका नाम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दिया है, क्योंकि हम लोग दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आपको. एंड पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स इन एफ डबल डैश एक्स, तो जो भी तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा उसको हम लोग एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे, एक्स का जगह में, और हम लोग चेक करेंगे वन बाई वन. सपोज हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स दो निकला है, तो हम लोग उसमें पुट करेंगे एंड चेक करेंगे. तो चेक करने के बाद हम लोग को क्या क्या मिल सकता है देखो, तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा देखो, ऐसा हो सकता है ऑब्जर्वेशन कि उस क्रिटिकल पॉइंट में हम लोग वो क्रिटिकल पॉइंट में एक्स के जगह में अगर सी पुट कर रहे हैं, ठीक है, सी पुट कर रहे हैं जो भी पॉइंट हम लोग को मिला है, और पुट करने के बाद अगर वो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आया, नेगेटिव अगर आएगा तो एफ ऑफ सी हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी अगर ये लेस देन जीरो होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा. और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है, वही क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों ने पुट किया फंक्शन में, दूसरा कोई क्रिटिकल पॉइंट, और डबल डैश यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोगों ने एक्स का जगह में सी को पुट किया और अगर पॉजिटिव मिला, देन वी कैन से एफ ऑफ सी हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, यानी अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमम देगा, अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम देगा. ठीक है, ये चीज याद रखना है. तो नेक्स्ट है नंबर थर्ड पॉइंट. नंबर थर्ड पॉइंट देखो, अगर एफ डबल डैश सी, कभी ऐसा हो सकता है तुमने क्रिटिकल पॉइंट को पुट किया डबल डिफरेंशिएशन में और वो जीरो के इक्वल आया या फिर वो इन्फिनिटी आया, तब क्या होगा, देन दिस टेस्ट फेल्स, तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी टेस्ट को हम लोग और फर्दर यूज नहीं कर सकते. तब उसी पॉइंट में हम लोग स्टॉप करके कहाँ जाएंगे, वी गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक. तो यानी इसका बिहेवियर चेक करने के लिए अगेन हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, कॉस्ट फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन फॉर क्वांटिटी आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय दिस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन, फाइंड क्वांटिटी फॉर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और ये है डिमांड फंक्शन. पी इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. तो डिमांड फंक्शन से रेवेन्यू फंक्शन कैसे मिलता है, अगर हम लोग उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक्स क्या है, क्वांटिटी है, तो अगर P को हम लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन हम लोग को मिल जाएगा. तो कॉस्ट फंक्शन तो एज इट इज जो है वही रहेगा, रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, P इंटू एक्स. तो P हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है, और इंटू एक्स, एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिल जा रहा है, रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा. तो प्रॉफिट जो हम लोग को फाइंड करना होगा, प्रॉफिट फंक्शन, तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया था प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन, है ना. प्रॉफिट क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो तुमने पहले छोटे क्लासेस में पढ़ा था. तो यहाँ पे वो सेलिंग प्राइस नहीं बोल के उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फंक्शन बोलते हैं. और रेवेन्यू फंक्शन कैसे मिल रहा है, ये जो पी है, पी को अगर हम लोग क्वांटिटी से, पी मतलब वो डिमांड फंक्शन है, इट इज नॉट प्रॉफिट. पी क्या है, डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, एक्स इज अ क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वांटिटी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है. तो ये इतना मिल रहा है.
तो प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया, आर एक्स यानी रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन को पुट किया, तो ये हम लोग का आ गया प्रॉफिट। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए दिया था, टोटल रेवेन्यू फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हम लोग को मिल गया इतना, और प्रॉफिट फंक्शन भी हम लोग को मिल गया, तो ये दोनों का आंसर हम लोग का यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज रेवेन्यू फंक्शन एंड दिस इज प्रॉफिट फंक्शन, ये मिल गया हम लोग को। अभी क्या फाइंड करना है, फाइंड क्वांटिटी फॉर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर मैक्सिमम मतलब क्या, एक्स कब मैक्सिमम होगा, वो एक्स कब मैक्सिमम होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, यानी हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। सपोज इस क्वेश्चन में हम लोग को दो पॉइंट मिला है और दो पॉइंट में से एक पॉइंट में मिनिमम है और एक में मैक्सिमम है, तो हम लोग को मैक्सिमम वाले से काम करना है, मिनिमम वाले को नहीं देखना है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है। सिमिलरली बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब उसी पॉइंट में, यानी एक्स जो क्वांटिटी है वो हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो उस पॉइंट में उस क्वांटिटी के लिए हम लोग को एक्स जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के लिए प्रॉफिट कितना होगा, वो प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो हम लोग को वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जैसा हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर चुके ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सब निकालने के बाद अभी प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे पी डैश फाइंड करना होगा फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसको इतना मिल गया मुझे बात, फाइनली ये सॉल्व करने के बाद इतना मिला है और डीपी बाई डी एक्स मिला इतना, उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द व्हाट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी एक बार मिल रहा है 1 और एक बार मिल रहा है 11। तो अभी हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट में मैक्सिमम है तो कौन सा पॉइंट में मिनिमम है, तो उसके लिए हम लोग को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, यानी इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ये वाला स्टेप का। तो नेक्स्ट देखो डेरिवेटिव निकाल लिया पी डबल डैश एक्स, उसके बाद निकालने के बाद इसका डिफरेंशिएशन किया हमने जो -2x + 12 आएगा, उसके बाद हम लोग दोनों पॉइंट में चेक करेंगे, तो 1 में एक बार और 11 में एक बार। तो 1 में जब चेक किया तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट में क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है, ग्रेटर देन 0, डबल डैश ग्रेटर देन 0 होने से मिनिमम आता है, और अगर वो लेस देन 0 आता है जो कि 11 में आ रहा है, जब 11 में चेक कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू 11 इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो इसको हम लोग को नहीं लेना है क्योंकि इसका जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, इसको बोला है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 11 जो है वो क्या है, वो हम लोग का क्वांटिटी है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ये क्वांटिटी है हमारा। अभी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, जो फंक्शन तुमको प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है उस प्रॉफिट फंक्शन में हम लोग 11 को पुट कर देंगे। तो देखो वो पॉइंट को जो मैक्सिमम पॉइंट हम लोग को मिला है उसको हम लोग प्रॉफिट फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे एक्स का जगह में 11। तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ₹334/3 विच इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो कितना क्वांटिटी के लिए मिल रहा है, 11। ठीक है, 11 जो है वो मैक्सिमम तुम्हारा क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से दोनों से ही हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नहीं चेक कर रहे सेकंड डेरिवेटिव में, बट फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐसा करना पड़ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव में डायरेक्टली जो पॉइंट मिला है उसको हम लोग पुट कर देते हैं एक्स का जगह में और बाद में चेक कर लेते हैं, तो दोनों ही सिंपल है। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है मैक्सिमम मिनिमम उसको तुम लोग करना, और दो टॉपिक रह गए इस चैप्टर का, 1 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, और सेकेंड टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो आज के लिए होगा इतना ही।